कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री साव ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, शर्मसार करने वाली ये घटना है। कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी के साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने महिला होते हुए भी जो भूमिका निभाई उसके जितने निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र के प्रति ममता बनर्जी को भरोसा ही नहीं है। डिप्टी सीएम साव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए उठाए कई कदम हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को समय पर व सस्ता न्याय मिल सके। इसलिए हम सबको समन्वित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, फिर भी अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है कि लोगों को समय पर न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, न्याय सुलभ हो, और इसलिए सबको समन्वित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से न्यायालयों में प्रकरणों की पेंडेंसी बड़ी संख्या में हुई है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, पर इसमें सबको मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ और कम समय में न्याय मिल सके। देखिए, जिस प्रकार से बहुत दर्दनाक हादसा एक डॉक्टर बेटी के साथ कलकत्ता में घटित हुई और महिला होते हुए भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो भूमिका निभाई, सरकार ने जो भूमिका निभाई, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आंदोलन को जिस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, पूरी ताकत सरकार ने लगाई आंदोलन को कुचलने का, लोगों के आवाज को कुचलने का, ये लोकतंत्र के प्रति ममता बनर्जी को भरोसा ही नहीं है। एक बेटी के दर्द का एहसास नहीं है, नाम ममता है, मुख्यमंत्री है, और आज जिस तरह से उनकी भूमिका इस घटना में रही है वो बहुत निंदनीय है और ये कभी माफ नहीं करने वाला है। आज जो कुछ कर रही है, पहले से भी सारी व्यवस्थाएं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है, त्वरित सुनवाई हो सकती है, पर इस प्रकार से अब ममता बनर्जी की पोल खुल चुकी है, उनकी मानसिकता जनता के सामने आ चुकी है, जनता कभी माफ नहीं करेगी।